को नमस्कार, मेरा नाम कपिला पराशर है और मैंने विद्या भवन स्कूल से ईयर 2000 में अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। स्कूल के बारे में अगर मैं याद करूँ तो सब कुछ अच्छा था। खेलना कूदना, बिना प्रेशर के पढ़ाई करना, फेट, सरस्वती पूजा, टीचर्स डे और सबसे अच्छी बात टीचर्स। मुझे अपनी सारी टीचर्स बहुत पसंद थी। आप सबसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत अफेक्शन मिला और अपने पोटेंशियल्स को, टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने की बहुत एनकरेजमेंट मिली। एंड आई स्पेशली थैंक राजश्री मैम जिन्होंने मेरा स्टेज फियर दूर कराया। आजकल मैं दिल्ली गवर्नमेंट में TGT इंग्लिश हूँ और पिछले 4 साल से मेंटोर टीचर की तरह काम कर रही हूँ। सो स्कूल वॉज ऑलवेज गुड फॉर मी, गुड मेमोरीज एंड आई नेवर टुक एनी लीव। थैंक यू। Hi, I'm Divya. I've passed out from Vidya Bhavan in 2012. I'm currently working in retail as customer experience manager. And I would like to thank all my teachers, as wherever I am, it's all because of what they have taught me. So thank you everyone. And I really miss those memories. Thank you. Hello everyone, my name is Manakshi Paswan and I pass out in 2005 from arts background. Currently, I work for an NGO by the name of Helping Brains. They basically do work in women empowerment, child awareness, and helping senior citizen, old age home. तो मेरा basically main focus है old age home और छोटे बच्चों को पढ़ाना. Weekends में जब भी time मिलता है, Saturday Sunday को, तो हम लोग वहीं पे ही उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स को अच्छा लगता है हम लोगों से बात करना, हम उनको अपना टाइम देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं हमसे मिलकर बात करके। और बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, छोटे बच्चों को, उनको कोई भी ज़रूरत होती है, उनको कोई भी स्टेशनरी का सामान या कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए होता है तो वो हम लोग सब प्रोवाइड करवाते हैं और बाकी पढ़ाते हैं उनको। शुरू से ही था मेरे को कुछ ऐसा कि हाँ कुछ ऐसा सोशल वर्क वाला काम करना है, तो मैंने फिर इधर ज्वाइन कर लिया। तो वैसे आई वर्क फॉर एन अदर कंपनी बट यहाँ पे हम वीकेंड्स में जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग भी जब बच्चे स्कूल के जो हैं वो बड़े हों तो वो भी कुछ ह्यूमैनिटी वाला भी काम करें अपने जॉब के साथ साथ। सो थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, my name is Ritu Pun and I'm a pass out of Vidya Bhavan Girls Senior Secondary School. Currently I'm working as an inspector in Indian Postal Department and I would like to share my journey with the Vidya Bhavan Girls Senior Secondary School. Maine Vidya Bhavan Girls Senior Secondary School mein 4th standard mein admission liya tha and I completed my 10th and 12th from Vidya Bhavan Girls Senior Secondary School. Vidya Bhavan Girls Senior Secondary School is the best school in the world, at least for me. The reason being, they have the best teachers. बहुत अच्छे teachers हैं यहाँ पे, और मुझे standard 4th से लेके standard 12th तक इतने अच्छे teachers मिले हैं कि पढ़ने का मन करता था, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से हमें पढ़ाते थे, हमें समझाते थे। Not only सिर्फ वही जो हमारे syllabus में होता था, बल्कि एक स्टूडेंट की जो ओवरऑल पर्सनालिटी होनी चाहिए कि इस बच्चे में अगर ये ट्रेट है तो इसको इस चीज़ में अच्छा होना चाहिए, इसको इसमें हेल्प करते हैं, उस तरीके की चीज़ें हमारे सारे टीचर्स ने हमेशा हमारे साथ किया है। हमें मोटिवेट करते थे कि अपने अंदर जो भी झिझक है या जो भी शाइनेस है उसे आप बाहर निकालो, आप कॉन्फिडेंट रहो, अगर नहीं रहोगे तो फिर यू नो यू कैन नॉट ग्रो इन लाइफ। इसके अलावा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, ये हमें सिखाया गया प्रॉपरली। Hi, I'm Sanya. I have passed out from Vidya Bhavan School in 2010. I'm a chartered accountant and currently I'm working with KPMG. Here I would like to thank all my teachers from Vidya Bhavan School, because I feel wherever I stand today, it's because of their love, their endless support, their blessings and the lessons I have learned from them. That's the reason I could achieve this much in my life. I really want to add here that I do miss my school days and all my teachers even now, because I have spent the most beautiful years of my life in this school and I really cherish all the moments I have spent there. Thank you.
Hi, I'm Khushbu Basri and I passed out from Vidya Bhavan in 2005. I've just completed my PhD in mathematics from University of Delhi and teaching in one of the DU colleges, mathematics only. I have many fond memories of my school. It's an absolute pleasure to learn things from such an amazing bunch of teachers who actually went out of way and diligently helped you to learn things. And I have made few of the friends there who are still in touch with me, and I just feel grateful for everything, whatever the school has given us, and the teachers, the colleagues, the friends, everything. And I just try to maintain that tradition of going to school like on every Saraswati Puja every year. And whatever I'm today is just because of the teachers. Whatever they have actually laid the foundation of things which we are doing right now. And I'm grateful. I'm just happy about hearing them again and hearing out from them. And thank you guys. Thank you for everything. Thank you, ma'am. All the moms, and thank you guys. Greetings to all of you. I am Rupshika, and I would like to thank Rajshri ma'am for giving this opportunity to me. And so about myself, I did my schooling from Vidya Bhavan Girls Senior Secondary School. I passed out from there in 2005. Then I did my graduation from Sri Ram College of Commerce. Then I did M.Com. I became Chartered Accountant in 2012. Right now I am working as Assistant Professor in Daulat Ram College, and I am one of the partner in one of the Chartered Accountant firms. I would like to thank all my teachers, because what I am today is because of you all. So thank you, teachers. I have so many names to take, but since the time is very short, I just say thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, principal, ma'am.